हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जी के एल क्लासेज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्लास 8 सोशल साइंस असेसमेंट वर्कशीट 3। और इसकी जो डेट है आपकी 13 सितंबर दी गई है। सो हेयर यू विल राइट योर नेम एंड हेयर योर क्लास टीचर नेम। सो हेयर द क्वेश्चन इज डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल। तो आप पेन या पेंसिल से जो है हर ऑप्शन के आगे सर्कल दिए गए हैं, तो जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें जो है आप उस सर्कल को फिल कर देंगे पेन या पेंसिल से अपने। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जगन्नाथ कल्ट इज वाइडली फॉलोड। तो जगन्नाथ पुरी जो कल्ट है आपका जो है ये उड़ीसा में है, तो इट इज़ वाइडली फॉलोड इन उड़ीसा। तो आपका उड़ीसा इज़ अ करेक्ट आंसर। तो आप जो इसके उड़ीसा के आगे जो सर्कल है इसको आप पूरा फिल कर देंगे, कलर कर देंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज लार्जेस्ट स्पीकिंग ट्राइबल लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन दिए गए मणिपुरी, संथाली, गारो एंड ओरोन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, संथाली, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आप बी को जो है सर्कल को जो है पूरे तरीके से इसमें कलर कर देंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच द माइनॉरिटी इज कन्फर्म टू अ पर्टिकुलर एरिया ड्यू टू सोशल मार्जिनलाइजेशन इज कॉल्ड। इसका आपका आंसर क्या आएगा, गिटोइजेशन। गिटोइजेशन के आगे आप सर्कल कर देंगे माइनॉरिटीज़ को, जिस वजह से जो है एक पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर ऐसे एरिया में रहना पड़ता है जहाँ उन्हीं की कास्ट के ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसको गिटोइजेशन कहते हैं। अपनी पिछली वर्कशीट में आप कर चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज बाय विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश। तो अनटचेबिलिटी जो है वो किस राइट के अंडर जो है ये आपके आती है, दिस इज आर्टिकल 17। इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है, आर्टिकल 17। तो आप इसके जो है सर्कल को जो है फिल कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो आपका जो आर्टिकल 15 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ये किससे रिलेटेड है, दिस इज राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट टू इक्वालिटी। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, राइट टू इक्वालिटी। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आपका करेक्ट ऑप्शन है ओडिशा। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें लैंग्वेज पूछी गई है ट्राइबल लैंग्वेज, जो दैट इज संथाली। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर है गिटोइजेशन। एंड फोर्थ क्वेश्चन में आपसे आर्टिकल पूछा गया है, तो दैट इज़ आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है, तो दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी। चलिए अब हम अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर। तो ये जो है किस ईयर में जो है ये एक्ट जो है वो फ्रेम किए गए थे, तो करेक्ट आंसर इज 1989, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप इसके सर्कल को जो है आगे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज सी के जानू इज प्रोमिनेंट डैश एक्टिविस्ट। तो वो कौन से एक्टिविस्ट थे, स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, आदिवासी, चाइल्ड राइट और ह्यूमन राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, आदिवासी एक्टिविस्ट थे सी के जानू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द होम ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स के लिए जो है यानी कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स जो है कहाँ मिलेंगे इंडिया में, तो ये दैट इज ओडिशा। ओडिशा में 60% से भी ज़्यादा जो है वो ट्राइबल्स जो है वहाँ पे रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपका ए है करेक्ट है, तो उसके आगे जो सर्कल है उसको आप कलर कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 6 हमने जो किया था, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1989। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा गया सी के जानू जो है वो है आदिवासी ट्राइबल एक्टिविस्ट, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया जहाँ पे ट्राइबल सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो डैट इज़ ओडिशा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ फर्दर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन द क्वेश्चन 9 और 10 में आपका दिया गया है टू स्टेटमेंट, assertion दैट मीन्स ट्रू स्टेटमेंट और आर स्टैंड फॉर रीजन, कि उसका जो रीज़न दिया गया वेदर दैट इज़ करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट से आपको उसके आगे जो है सर्कल जो है डार्क करना है। जो ए ऑप्शन है उसका मतलब है कि जो assertion दिया गया है द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू और उसका जो रीज़न दिया गया है वो भी ट्रू है, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो आर है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट बी में आपका मतलब है बोथ assertion ए एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं लेकिन जो उसका रीज़न है वो गलत दिया गया एक्सप्लेनेशन। इसके बाद सी का मतलब है आपका ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट,
और डी ऑप्शन का मतलब है ए इज इन करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन आपका एजर्शन दिया गया है, ट्राइबल पीपल आर डिस्प्लेस फ्रॉम देयर होमलैंड, वो अपनी जो जगह से जो है उन्हें छोड़कर जाना पड़ता है। अब इसका रीजन क्या दिया है, अलॉट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर टेकन इन द फॉरेस्ट एरियाज। भाई आदिवासी जो हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, ये मोस्टली जो हैं फॉरेस्ट एरियाज में ही रहते हैं क्योंकि ये नेचर के करीब रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन्हें अपने होमलैंड को कि ज़्यादातर जो है रीज़न जो दिया गया क्यों छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि जो है फॉरेस्ट वगैरह में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो ज़्यादा होने लग गई हैं, पेड़ वेड़ ज़्यादा काटने लग गए हैं। तो आपका एजर्शन जो है ए इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट और उसका जो रीज़न दिया गया दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन ए है इसको टिक लगा देंगे एंड यू कैन सर्कल दिस वन। नाउ आपका 10th क्वेश्चन दिया गया एजर्शन ए, आपकी स्टेटमेंट दी गई एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स जो है उनको वायलेट किया गया है तो क्या वो कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो इसका रीज़न दिया गया फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यस दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर किसी इंडियन सिटीजन का जो है फंडामेंटल राइट को जो अगर वायलेट किया गया है तो वो यस कॉन्स्टिट्यूशन के जो है हमारा फंडामेंटल राइट हमें गारंटी करता है कि जो है हम जो है अपना जो है अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जो है वी कैन फाइल द केस। तो यहाँ पे भी जो आपका ऑप्शन ए है दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। आपसे आई थिंक आपको आज की असेसमेंट वर्कशीट समझ आई होगी और आप इसे वक्त से पूरा करेंगे। थैंक यू एवरीवन।